तो भाई जब ना मैं ना पानी पूरी खाने रुका था, तो यहाँ जो पानी पूरी का रेट है 20 रुपए के 8 गोलगप्पे देगा आपको, पर जो पानी पूरी काफी स्पाइसी है क्योंकि पानी में जो आलू बनाते हैं ना, आलू में बहुत मिर्ची डालते हैं, तो मुझे तो बहुत स्पाइसी लगी। पर एक अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे पानी पूरी की दुकान भी लगानी तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस के आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो इन्होंने भी एक लाइसेंस लिया हुआ, बिना लाइसेंस के आप यहाँ पे कोई लगा ही नहीं सकते हो। बिना लाइसेंस के ना कोई दुकान नहीं खुलती, जो भी दुकान है सबके लिए लाइसेंस इशू होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी से। हालांकि एलजी है यहाँ पे ना, कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं, यूनाइटेड टेरिटरी है, तो एलजी उपराज्यपाल जो है वही सारी चीज देखता है। और साथ ही जो चिप्स हैं, चिप्स भी MRP के 10 रुपए लिखे हुए हैं, पर 2 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि बाहर से आते हैं, इसलिए 2 रुपए कह के एक्स्ट्रा लेता है। ये अच्छी बात है कि मतलब बिना कहीं नहीं लेते, क्योंकि अभी मैं देखो इसकी आपकी MRP 10 रुपए की है ये ना सामने सभी की, ये लोग कह देते हैं कि पहले की भी 2 रुपए एक्स्ट्रा इसलिए लेता है क्योंकि आने के लिए जो चार्जेस लगता है, क्योंकि यहाँ पे पैदा नॉर्थ साइड में है पे, वहाँ पे थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे थोड़ी पैदावार भी है, यहाँ पे कुछ पैदावार नहीं, यहाँ तो सारा इम्पोर्ट होता है, जैसे सिंगापुर में होता है सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो अभी लोकल चिप्स खाते हैं क्योंकि भूख लगी है, चिप्स खाने के बाद फिर आपको लोकल मार्केट और दिखाएंगे। अभी रोहित आगे गया हुआ SBI बैंक में, अगर किसी को यहाँ पे आपको ड्रिंक वगैरह करनी है, कुछ बियर वगैरह कुछ चाहिए, तो यहाँ पे हैवलॉक में एक किराया जिसे बीच नंबर 3 बोलते हैं, और सातवें से गोविंदपुरा बीच बोलते हैं, नंबर 3 का एक बीच में चौराया, वहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे सारी मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा, सब्जी आलू वगैरह जो चीज़ें ड्रिंक करने के शौकीन है, तो SBI के उसमें आपको पैसे डालने हैं, वहाँ से आपको फिर सब चीज़ मिलेगी उसमें ना, जो भी आपको ड्रिंक करनी है, बियर लेनी है, दारू लेनी है, जो कुछ भी लेनी है सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अभी खाते से खा के फिर मैं आपको आगे एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, तो गाइस अभी ना मैं कुछ लोकल से बात कर रहा था, तो कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से कलेक्ट की है, वो लोकल इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में सारी बताऊंगा। तो मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन ली है वो इनसे, इनका नाम है सुमन, नाम है ना सुमन रॉय नाम है इनका, ये पानीपुरी का काम है, ये कई बार होटल जो ताज यहाँ पे है उसमें भी डिलीवरी या दिल्ली वगैरह करते हैं, मतलब शादी वगैरह कुछ होता है तो वहाँ पे इन्हें बुलाया जाता है, मतलब एज ए जैसे बोलते हैं ना वो कि बुक कर लेते हैं मैनेजर टाइप से, इसलिए बात है। और ये कौन आपकी ये दुकान, ये मालिक है। अच्छा, ये मालिक है, और तुम कौन हो? वर्कर है, तुम इधर काम करता। अच्छा, ये अलग भाई पास पास वैसे ही है, और मतलब आस पास आप पड़ोसी है एक दूसरे के ना, तो इन लोगों से बात की है, मैंने बता दूंगा मैं जो जो मैंने इन्फॉर्मेशन इन दोनों से ली है भाई, तो मैंने इन दोनों से सब चीज इन्फॉर्मेशन ले ली है। ये कह रहा है कि यहाँ पे जब सीजन का टाइम होता है ना, तो सीजन के टाइम पे बिल्कुल भी जगह नहीं होती पैर रखने की, भी इतनी भीड़ होती है, और फिलहाल ये होता है कि अभी कुछ रेस्टोरेंट बंद किए हुए हैं क्योंकि सीजन बारिश का सीजन होता है, तो बारिश में कुछ रेस्टोरेंट बंद करते, पर सीजन जैसे ही आपका दिसंबर में स्टार्ट होगा, सीजन यहाँ पे सितंबर या दिसंबर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पूरी रोड पे इतनी भीड़ लग जाती है कि आप यहाँ पैर भी नहीं रख सकते। अभी ये देखो जो पूरी खाली पड़ी हुई है ना पूरी, ये देखो ये पूरी रोड खाली पड़ी है, तिराया यहाँ पे एकमात्र तिराया जो सामने है ये, इसी से आप राधानगर बीच निकल जाओगे, इधर से काला पत्थर निकल जाओगे, और ये जो रास्ता जा रहा है ये आप निकल जाओगे जेट पे, जहाँ से आपको फेरी मिलती है। तो कुछ लोकल से बात करके पता चलता है कि यहाँ पे मतलब रोजगार जो है, मतलब दुकान वगैरह की है, कुछ ज़्यादातर पैसे जो है टूरिज्म के ही हैं, लोग बाग अगर यहाँ खेती करते हैं, खेती भी करते हैं, सुपारी की बहुत ज़्यादा खेती की, सुपारी की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे ना, तो यहाँ से सुपारी इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी जाते हैं। सुपारी जो आप सुपारी खाते हो, सुपारी तो सुपारी खाते हैं ना, तो सुपारी वगैरह के लिए तो यहाँ पान वगैरह भी मिलते हैं। हालांकि एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, MRP 10 रुपये है, पर उसके बाद भी 2 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं MRP पे ऊपर भी, वो चीज़ मेरी समझ में नहीं क्यों लेते हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि भाई लाने ले जाने का भाड़ा लगता है, भाई MRP जो है वो तो कंपनी डिलीवर करनी चाहिए ना, तो गवर्नमेंट को ये भाई लाने जाने का भाड़ा नहीं लेना चाहिए, जो भी है जो कुछ डिलीवरी दे दी तो इससे, क्योंकि जो कोई टूरिज्म, मान लो अगर कोई बाहर से टूरिज्म वाला आता है, उसे MRP 10 रुपये लिखी दिखी और उससे 12 रुपये मांगेंगे, तो उसके दिमाग में गलत मैसेज जाएगा कि भाई MRP 10 रुपये लिखी हुई है और मांग ये 12 रुपये रहे हैं। देखो तो अपने तो इंडियन है, अपनों को तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 1-2 रुपए की दे देते हैं, दे तो बाहर वाले भी देंगे, उन्हें भी तो बहुत सस्ती दे रही है, 5 रुपए का पता, का कौन देता पता है? नहीं पता नहीं चलेगा, पर यह है कि जो चीज नहीं सस्ती चीज ही नहीं, मैं जो चीज MRP लिखी हुई है 10 रुपए, वो 10 की 10 ही होनी चाहिए।
भाई वो या तो उसमें एमआरपी ज्यादा की हो, ऐसे नहीं एमआरपी बढ़ा सकते क्योंकि बाहर वालों के लिए गलत मैसेज जाता है। बाकी अभी बस वगैरह देखते हैं, नहीं तो पैदल चलते हैं। 1 किलोमीटर अपना रिजोर्ट है, 1 किलोमीटर है यहाँ से, तो चल रहे हैं भाई पैदल चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मार्केट है। ये देख लो बस यही मार्केट है जो कुछ है। ये किराया है भाई वो, जिससे तीनों तरफ की बसें मिल जाएंगी आपको। ये लोकल मार्केट है भाई, ये देखो आलू टमाटर, टमाटर पूछो क्या है, पूछो क्या रेट है, सेब क्या रेट के भाई, सेब 350 रुपए किलो भाई। सेब जो है 350 रुपए किलो है, जो वहां पे मिलेंगे आपको 50 रुपए 80 रुपए, दिल्ली में 150 रुपए मैक्सिमम है। अब सेब देख लो 350 रुपए किलो, मतलब वहां भी तो इम्पोर्ट ही होता है यार, और यहाँ भी इम्पोर्ट ही हो रहा है, अपने देश से देश में इम्पोर्ट हो रहा है, जम्मू कश्मीर से यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है, उतना ज्यादा इम्पोर्ट पर 350 रुपए किलो सेब, इतना महंगा नहीं होना चाहिए भाई, कुछ ज्यादा ही महंगा, कुछ देख के भी ज्यादा बोल देते हैं। सब्जी मंडी है भाई आगे ना, ये मार्केट है लोकल, ये सब्जी मंडी है भाई, ये बेकरी की शॉप है सामने। तो यार लोग डिजिटल है, कुछ भी चीज डिजिटल, मतलब सारी चीजें ही है यार, फोन वगैरह ईयरफोन वगैरह सब चीजें मिलेगी, इसमें आगे चप्पल वगैरह है। तो सारी मार्केट है भाई ये, तो भाई ये सारी मार्केट है जो कि गोविंद नगर बीच ही बोलते हैं, 20 नंबर 3 बोलते हैं इसे, इसके पास मार्केट है, सब चीज मिलती है, सुपर मार्केट भी है भाई एक, ये आईलैंड सुपर मार्केट है, वो देखे थे उस चलो देखते हैं क्या क्या है, आ जाओ बस क्या पैदल ही चलना, मत आ जाओ क्यों अगे, ये सुपर मार्केट है यहाँ की ना, डेवलप की, प्राइसेस वगैरह लिखे होंगे तो शायद ही, पूरे बड़े में 4 पैकेट है भाई, ये 10 रुपए का पैकेट है करीब में, मैं अमूल का ये ताजा टोंड दूध है, आधी किलो का 37 का है। चिल्ली पाउडर है, ये देख लो दाल है भाई, ये 170 रुपए की है, पर तोर दाल, कौन सी तोर दाल है भाई, हमें भी नहीं, मूंग की दाल है 140 रुपए की है, मूंग की दाल 140 रुपए किलो है, और ये अरहर की दाल है, मसूर की दाल लूज 130 रुपए किलो। चलो ये अच्छा लगा कि यहाँ भी एक सुपर मार्केट है, तो पानी मिल सकता है, सुपर मार्केट है तो भाई, हॉर्लिक्स वगैरह शैम्पू है, रिन वगैरह कुछ ही ले सकते हो भाई, हॉर्लिक्स नूडल्स वगैरह, पानी की बोतल, तो पूरी सुपर मार्केट है सारी भाई, जो कुछ भी लेना चाहे, मैगी कितने की है, मैगी का बड़ा पैकेट है भाई 20 रुपए का, काफी सस्ता है भाई, तो मैगी सस्ता है, और जिसमें 14 रुपए कैशबैक भी ले सकते हो भाई आप ना, यप्पी मैगी ब्रांड तो सारी है फिलहाल ना, दूध वगैरह डिटोल, तो ये एक सुपर मार्केट है यहाँ की ना, ऐसा दिखाया आपको प्रोडक्ट, तो चलो अच्छा लगता है कि भाई ना एक बीच है कम से कम, इस बीच में तो कम से कम सुपर मार्केट तो है, क्योंकि पोर्ट प्लेयर में कहीं सुपर मार्केट हमें देखी नहीं, हमने खैर मार्केट घूमे भी नहीं वहाँ पे ज्यादा, तो पता भी नहीं चला कि वहाँ पे सुपर मार्केट है या नहीं है, यहाँ पे तो है, पर दूध सस्ता ही है, ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि आधी किलो दूध 37 का है, तो 74 का हो गया पैक 1 किलो का, और मैगी सर
और मैगी सस्ती है भाई। मैगी आप देखो 20 रुपए का बड़ा वाला पैकेट था, जो हमारे उधर 12 या 13 रुपए का छोटा पैकेट मिलता है, और उसे डबल भी कर दोगे तो भी 25 रुपए का, पर यहाँ 20 रुपए का बड़ा मैगी का पैकेट था। अच्छा है भाई ये लोकल ही है सब। ये देखो भाई मछली वगैरह लेने हो, सी फूड लेने हो तो ढाबों पे ले सकते हैं। पानी की बोतल सब जगह ये रखिए, पानी की बोतल यहाँ 40 रुपए की है, की वो 2 लीटर की बोतल यहाँ 40 के, पोर्ट प्लेयर में 35 रुपए की थी बोतल ना वो। तो भाई ये थी सुपरमार्केट। अब वीडियो काफी लंबी हो रही तो वीडियो को बंद करते हैं भाई। अच्छा ये प्रसार भारती है, देख लो भाई ये कौन है, प्रसार भारती का वो है यहाँ पे ना टावर। ये देख लो भाई। तो गाइज वीडियो काफी लंबी होगी तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप होपफुली आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी, अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन गाइज बाय बाय, जय हिंद।